नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो ये है उत्तराखंड वन दरोगा 2023 का पेपर के आंसर की है, और ये हमारे पास है सेट डी है। तो जो ये पेपर है सेट डी है, आप अपने हिसाब से जो भी आपका सेट है उसके हिसाब से प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, तो हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अभी हमने फिजिक्स के आंसर के हम ला चुके हैं, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, और अब यहाँ पर है केमिस्ट्री की, यहाँ पर आंसर की है क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर, तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है इसके, यहाँ पर आंसर के हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रोमीन के समस्थानिक जो 35Br79 और जो ब्रोमीन 35Br81, इसका औसत परमाणु द्रव्यमान होगा, तो इसका औसत परमाणु द्रव्यमान होगा ऑप्शन नंबर ए 80। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अवोगाद्रो संख्या है, तो अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, तो 6.022×10^23, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो, सीमित क्या है, सीमित वायु बोल रखा है, तो ये हो जाएगा निस्तापन, बी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सामान्य ताप और दाब पर 3.8 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा, तो यहाँ पर बोला है सामान्य ताप, बोलो तो एसटीपी पर ये पूछा गया, तो एसटीपी पर किसी का भी कितना हो जाता है, 22.4 लीटर होता है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर कैलकुलेशन करके आ रहा है 10.85 ग्राम, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सत्य या असत्य बताइए, तो यहां पर सत्य क्या है, देखिए ठोस से द्रव ऊष्मा बिल्कुल है, ऊष्मा देखिए ये भी सत्य है आपका, ये भी तीनों ही आपके क्या है, सत्य है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सत्य सत्य और सत्य तीनों ही क्या है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऊष्मीय ताप की मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वायुमंडलीय दाब पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन के लिए चाहिए, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं इसको, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये हो रही है क्योंकि 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर वायुमंडल दाब पर गैसीय अवस्था में ही परिवर्तन किया जा रहा है, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, ब्यूटेन C4H10 द्वारा कितने संरचनात्मक समावयव बनाए जा सकते हैं, आइसोमर कितने हो जाएंगे ब्यूटेन के, तो इसके हो जाएंगे दो, C4H10 के दो आइसोमर होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, घनत्व की इकाई क्या है, तो जो घनत्व है, घनत्व की इकाई है किलोग्राम मीटर पर मीटर मीटर क्यूब और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो ये दोनों ही है, तो इसलिए बी और सी दोनों ही होंगे, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में कौन सा आण्विक यौगिक सही रासायनिक सूत्र को दर्शाता है, तो सही रासायनिक सूत्र है इसमें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × ½H2O, तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, 128 ग्राम SO2 में कितने मोल होते हैं, तो 128 ग्राम SO2 का 64 होता है, तो 128/64 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 2 मोल इसमें हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, घरों में खाना बनाने में प्रयोग होने वाली सिलेंडरों में उपस्थित गैस का नाम क्या है, इसका नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर हमारे पास होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, आवर्त में जो पीरियोडिक टेबल है इसमें बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, तो कारण क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर घट क्यों रही है, क्योंकि नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण, क्योंकि नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण जो परमाणु त्रिज्या है वो घटेगी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किसी विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा, ये आपका होगा अशुद्ध धातु को प्रयोग किया जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है,
निम्नलिखित में से किस तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाने वाला जो तत्व है वह है आपका कोबाल्ट। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न अभिक्रिया का उदाहरण है, ये निम्नलिखित कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है? NaSO3 प्लस HCl, NaCl H2 और CO2। जल यहां पर निकल रहा है तो इसलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया का ये उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय है? तो जो नींबू का रस है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, एल्कीनों का सामान्य सूत्र, तो एल्कीन यहाँ पर पूछा गया है तो इसका सूत्र होगा CnH2n। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। केमिस्ट्री तो काफी ठीक आ रखी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, वाष्पीकरण बढ़ता है, वाष्पीकरण बढ़ता है कैसे बढ़ता है? देखिए सतह क्षेत्र बढ़ने पर बढ़ता है, बिल्कुल, तापमान की वृद्धि बढ़ने पर बढ़ता है, आर्द्रता में कमी होने पर भी बढ़ता है, और वायु की गति में वृद्धि होने पर भी बढ़ता है। इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन इसके सही हैं। तो 53 का यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 2 3 4, तो सभी के सारे भी ऑप्शन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचयित तथा अपचयित, उपचयित तथा अपचयित बोले तो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस जो हुए हैं सब्सटेंस, उनको आपको पहचानना है। तो देखिए CuO रिड्यूस हुआ है एंड H2O, H2 क्या होगा है ऑक्सीडाइज, ये हुआ। तो 55 का यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 है, जल H2O में संयुक्त तत्वों के द्रव्यमान अनुपात की गणना कीजिए, तो गणना क्या होगी? 1:8। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न तत्वों को उनके घटते हुए धात्विक गुणों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यहां पर व्यवस्थित हमें करना है। तो देखिए जो मेटलिक प्रॉपर्टी है इसकी, उसके घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर सोडियम की मेटलिक प्रॉपर्टी है, फिर मैग्नीशियम की है, तो ये वाला जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। पहला सोडियम होगा, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रोपेन का आणविक सूत्र 3C3H8 है, इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड है उनकी संख्या कितनी है? तो कोवलेंट बॉन्ड की संख्या यहाँ पर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, सल्फर की परमाणुकता है, तो सल्फर की जो परमाणुकता है ये कैसी है? तो यह है बहु परमाणु, पॉली एटॉमिक है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, बकमिंस्टर फ्लोरेन किसका अपरूप है? तो यह है कार्बन का अपरूप, जो बकमिंस्टर फ्लोरेन है यह कार्बन का अपरूप है, C60 यह कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कार्बन किसका उदाहरण है? तो कार्बन यहां पर किसका उदाहरण है? तो कार्बन है अधातु का उदाहरण। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से तत्वों के किस समूह को डोबेराइनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किसे किया गया है डोबेराइन के त्रिक के रूप में वर्गीकृत? तो ये क्या गया, देखिए डोबेराइन का त्रिक क्या था कि जो पहले और तीसरे का जोड़ होगा वो आधा हो जाएगा पीच वाले के। तो यहां पर आप देखेंगे जो सी वाला ऑप्शन है कि बी डी और ई, बी का कितना है 23, ई का है 35, इन दोनों का जोड़ का आधा हो जाएगा 29, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र से दर्शाया गया, तो कौन सा इसके लिए फॉर्मूला आता है? तो 2n2। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है संक्षारण के। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किस अम्ल का मिश्रण है? किसी अम्ल का 3:1 का मिश्रण है। तो एक्वारेजिया क्या होता है? 3:1 का मिश्रण होता है, HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का मिश्रण होता है 3:1 के अनुपात में एक्वारेजिया। क्वेश्चन नंबर 66 है, चिप्स के उपचयन को रोकने के लिए चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स की थैली में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। तो 66 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, इसकी हम यहाँ पर आंसर की
ये ला चुके हैं और ये आंसर की इसके कंप्लीट हुई। आप ये जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है इस आज के जो ये पेपर है वंदर होगा एग्जाम 2023, कितना आपका आंसर की आंसर यहाँ पर स्कोर बन रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।